नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर यानी आज भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है। मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। इस महामुकाबले का फैंस को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लगातार रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराते रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज आज एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। वो एक बार फिर सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा सकते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। लेकिन आज विराट कोहली ऐसा कर सकते हैं। साल 1992 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले 5 मैचों में सबसे ज़्यादा 313 रन बनाए हैं। उनके इस बड़े रिकॉर्ड को आज विराट कोहली ध्वस्त कर सकते हैं। सचिन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच 212 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बाद भारतीय नागरिकों के दूसरे जत्थे ने शुक्रवार शाम को राजधानी तेल अवीव से उड़ान भरी। आज 235 भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इजराइल में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। दूतावास ने अपनी पोस्ट में बताया, दूतावास ने आज विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों को ईमेल किया है। अन्य पंजीकृत लोगों को बाद की उड़ानों के लिए संदेश भेजे जाएंगे। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने बर्बर हमला कर करीब 1000 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और अब वो गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। वहीं हमास भी बीच बीच में इसराइल पर रॉकेट की बरसात कर रहा है। देश में माल ढुलाई के लिए तैयार हो रही सबसे बड़ी रेलवे लाइन यानी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण तेजी से पूरा हुआ। भारतीय रेलवे ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया था कि इससे उनका माल तेजी से सुगमता के साथ एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकेगा। अब वो दिन आ गया है। भारतीय रेलवे के DFC कॉरिडोर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर अब 100% रेडी है। EDFC पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के सोननगर तक जाता है। देश के इस बेहद खास कॉरिडोर की लंबाई 1337 किलोमीटर है। EDFC 51,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसमें पावर हाउसों को कोयले की आपूर्ति जल्दी मिलेगी। EDFC पर हर रोज 140 मालगाड़ियां चलेंगी, जिसमें 70% मालगाड़ियां कोयले की हैं। पंजाब, हरियाणा, UP और दिल्ली के पावर प्लांटों को इसका लाभ मिलेगा। एक खुशखबरी ये भी है कि रेलवे का वेस्टर्न कॉरिडोर भी 70% बन चुका है, जो इसी वित्तीय वर्ष में 95% तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारतीय रेलवे का पश्चिमी कॉरिडोर यानी वेस्टर्न कॉरिडोर खुर्जा से JNPT मुंबई तक बन रहा है। सामान्य ट्रैक से दुगनी स्पीड यानी औसतन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलेंगी। अभी रेलवे में मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वो एक घंटे में 25 किलोमीटर ही चल पाती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारना उस गंभीरता को दर्शाता है जिसके साथ पार्टी हर चुनाव लड़ती है। ठाकुर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की योजना के तहत महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मुंबई आए थे। मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रत्येक चुनाव लोगों की सेवा करने के लिए फिर से चुने जाने का एक अवसर है। ठाकुर ने कहा, आगामी चुनाव को देखते हुए हमें जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। भाजपा संगठनात्मक बैठकें करके 2024 के चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है। BJP नेता ने कहा, प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को देखें तो कई सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं।
ये उस गंभीरता को दर्शाता है जिसके साथ हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। माँ दुर्गा की आराधना का पवित्र पर्व यानी नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि के दिनों कटरा में मौजूद वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। लोग देश के अलग अलग हिस्सों से माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी तादाद को देखते हुए नवरात्रि में वैष्णो देवी भवन को भी खूब सजाया जाता है। अगर आप भी नवरात्रि में वैष्णो देवी जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ के नए ड्रेस कोड के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। ऐसा ना करने पर आपको वैष्णो देवी भवन में माँ के दर्शनों की अनुमति नहीं मिलेगी और आपका कटरा जाना निष्फल हो जाएगा। सहयोगी वेबसाइट india.com के मुताबिक माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन में दर्शन के लिए नई ड्रेस गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान श्रद्धालुओं को ऐसे शालीन वस्त्र पहनने होंगे जो वैष्णो देवी भवन की गरिमा को कायम रख सके, साथ ही दूसरे श्रद्धालुओं को भी असहजता का सामना न करना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्राइन बोर्ड की नई गाइडलाइन में कहा गया कि अब से टी शर्ट, कैपरी, निक्कर या अन्य छोटे कपड़े पहनकर वैष्णो देवी भवन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को माँ की गुफा में एंट्री नहीं मिलेगी। यही उन्हें अटका आरती में भाग लेने से भी वंचित कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को इस नियम की सूचना देने के लिए वैष्णो देवी परिसर में जगह जगह सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं, साथ ही लाउडस्पीकर से भी उन्हें इन नियमों से अवगत कराया जाएगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।